टीवी रियलिटी शो का ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। इस बात का प्रमाण रियलिटी शो की टीआरपी है। रियलिटी शो जीतने वाले कंटेस्टेंट रातों रात स्टार बन जाते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने रियलिटी शो जीतकर फेम तो हासिल किया लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाए। नंबर एक, राहुल रॉय। बिग बॉस सीजन 1 को जीतकर राहुल रॉय ने रातों रात एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि राहुल रॉय के लिए ये दूसरी बार था जब वो हेडलाइंस में छाए थे। इससे पहले राहुल ने 90 के दशक में सुर्खियां बटोरी थी। राहुल की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म आशिक की सुपरहिट हुई और उनके स्टारडम की चर्चा शुरू हो गई। बाद में बिग बॉस से मिला फेम भी वो नहीं संभाल पाए। नंबर दो, श्री रामचंद्र। इंडियन आइडल का 5वां सीजन श्री रामचंद्र ने जीता था। उनके सिंगिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया। सबसे खास थी कि श्री राम हमेशा सेफ जोन में रहे थे। उन्हें जज भी काफी पसंद करते थे। नतीजा उन्होंने शो जीता लेकिन इसके बाद अपने करियर में वो कुछ खास नहीं कर पाए। नंबर तीन, अभिजीत सावंत। अभिजीत सावंत ने इंडियन आइडल सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने अपनी पहली एल्बम आपका अभिजीत सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर निकाला लेकिन अब वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। नंबर चार, आशुतोष कौशिक। आशुतोष कौशिक ने साल 2008 में बिग बॉस सीजन 2 को जीता था। बिग बॉस सीजन 2 भी काफी सुर्खियों में आया था। आशुतोष को बिग बॉस के बाद लाइफ ओके के सावधान इंडिया और सोनी टीवी के कॉमेडी सर्कस में देखा गया। लेकिन अफसोस अब आशुतोष न तो न्यूज में है न ही किसी शो में नजर आते हैं। नंबर पाँच, हर्षंत गोस्वामी। 2004 में ग्लैडरिंग्स मैन हंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने वाले हर्षंत गोस्वामी रातों रात खबरों में आ गए थे। अपनी लोकप्रियता के आधार पर हर्षंत ने बिग बॉस सीजन 4 में भी एंट्री की लेकिन इस पॉपुलर शो का हिस्सा बनने के बावजूद वो अपना करियर नहीं संभाल पाए। नंबर 6, मनवीर गुज्जर। टीवी से लेकर आम लोगों के बीच मनवीर गुज्जर का नाम तब चर्चा में आया जब उन्होंने बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री मारी। मनवीर की पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण था कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थे। मनवीर बिग बॉस 10 के विजेता भी बने और थोड़े टाइम तक खबरों में भी रहे लेकिन अभी मनवीर कहीं नजर नहीं आते।